सब आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने 266 रन तक महदूद किया भारत को, अचीवेबल तो है ये टोटल, लेकिन जो एवरेज टोटल है वो इस ग्राउंड पे वो था 246, लेकिन उससे ज्यादा ही रन बनाए भारत ने, क्या कहेंगे आप? जी, आपने एवरेज टोटल की बात की, मैं ये अर्ज करूंगा कि यहाँ जो पार स्कोर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कमेंटेटर्स ने, वो 293 बताया था। ओके जी जी, और जहां तक इसका, अब मुझे सुनने में हो सकता है गलती लगी हो, इसलिए हो सकता है आप सही कह रहे हैं। सर ये बताएं कि आज का ये 267 का टारगेट है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखते हुए किस तरह से समझ रहे हैं आप? अरे फील्डिंग थी, अगर वो कुछ मतलब टाइट होती तो 250 से भी ज्यादा नहीं होना था, लेकिन इन्होंने बाद में जो कम बैक किया है और इंडिया के एक जिसे कहते हैं पीरियड में 10 बॉलों में 4 आउट किए हैं और उसके बाद एंड में भी ऑल आउट हो गई है और इन्होंने पूरे ओवर नहीं खेले, तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल ये पाकिस्तान ने मैच ऑलमोस्ट जीत लिया है। ये सुकून से खेलें, कोई इन पे इशू नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। यहां पर जितना पाकिस्तान के बॉलर्स ने खींचा है, जब 4 आउट किए 10 बॉलों पे और उसके बाद आखिर में जो इन्होंने इनके जो टेल एंडर्स थे उनको वाइप आउट किया है, तो उसके बाद ये मैच जो है मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की पॉकेट में है। नहीं सब इस बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे तमाम खिलाड़ी उन्होंने ही आउट किए, 4 शाहीन शाह आफरीदी, 3 नसीम शाह, 3 हारिस रऊफ, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई कि आपने 10 के 10 इंडियन प्लेयर्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया की बड़ी रैंकिंग टीमों में से एक आती है। इस वक्त अल्लाह के फजल से ओडीआई में हम नंबर 1 रैंक हैं, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया नंबर 3 है, तो उस सारी सूरत हाल में मतलब एक टॉप टीम की ऑल आउट कर लेना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और वो सिवाय 2 प्लेयर्स के जिन्होंने कुछ 150 प्लस की इनिंग खेली, बाकी तो कोई 16 से ऊपर जा ही नहीं सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।